आज का आउटफिट ये रखा हुआ है अलका का, अभी ले रहा सोनम का। अभी ये लोग हो रहे हैं रेडी, दिखाई दे रहा आपको क्यों नहीं बता दियो। ये रखा तैयार, शुरू कर देंगे। सब अपने अपने काम में बिजी, कोई इधर देख नहीं रहा है मुझे, कोई नहीं। कब चल रहा है तो गाइस, अभी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही मेरी आपसे, उसके लिए सॉरी सॉरी। अरे ये लोग बिजी है, कोई और नहीं, माफ कर दो। फिर दिखाएंगे जब इनका पूरा मेकअप हो जाएगा कंप्लीट। इनकी मेकअप चल रहा है, ये मेकअप आर्टिस्ट हैं फ्रॉम दिल्ली। ये चला लगा रही है, ये कर चुकी है क्या आई शैडो, आई मेकअप कर चुकी है, इनकम्प्लीट चल रहा है। और ये अलका का है, ये अलका ने लगा लिया है। सुनो अभी मैं लगाने जा रही हूँ अलका के आईलैशेस। मामी रख देती फ्रिज में। अबे ये लगाई जा रही है आई लैशेस, और इसका हो रहा है मेजरमेंट, देखें आ रही है कि नहीं। थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए सोनम ने उसको कट करके दोबारा से चिपकाने का कोशिश करी है। और इसको हम लगाएंगे पहले इनर कॉर्नर से और ये बाहर की ओर, दो से तीन मिनट रखने के बाद। तो ये हमारी जो आई लैशेस है वो हो गई है सेट। अब हम इस पे करेंगे एक बार से फिर से लाइनर दोबारा से, और ओपन यू आईज। हाँ ठीक, इसको सेट करने के लिए लगाएंगे पहले थोड़ा सा उसे, फिर उसके बाद रिपीट करेंगे हम लाइनर। ऊपर देखो। इसके बाद लगाएंगे ये मस्कारा ताकि ये और भी इनहेंस हो जाए इनकी क्या बोलते हैं इनको, आई लैशेस। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करने, इसे फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर और एक बार आई लाइनर का प्रयोग करेंगे। अगर थोड़ा सा वो लगता है तो आँख ऐसे कर दी जाती है ताकि सेट हो जाए। स्किन खिंची खिंची लगती, दोबारा से इसे कम्प्लीटनेस देने के लिए लाइनर दोबारा से लगा दिया है इस तरह से। बस हो रहा है इनका मेकअप, और सोनम अभी अधूरा मेकअप कर खड़ी है। अब ये करेंगे कॉन्टोरिंग। लाइट करेंगे थोड़ा सा जॉ लाइन पे, ऊपर के लिए शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प। हाँ। पर मुझे ना ऐसी लग रही है की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि मेरी जो नोज है वो बहुत ज्यादा है। और मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस मैं ऐसे ही अपने घर यूज के लिए मेकअप करती हूँ, पर ठीक 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 कर लेती हूँ। सो ये हो गई कंटूरिंग, ठीक है। ब्लश, और ब्लश और कंटूरिंग जो करते हो आप कंटूर उसको मिला के कीजिएगा तो अलग अलग नहीं लगेगा। अच्छे से मर्ज कर लीजिएगा। मैं कंटूर लाना भूल गई थी अपना पैलेट को, सॉरी ब्लश का, तो मैंने अपने आई शेडो पैलेट से ही किया है। तो आप इन जब कोई ऐसे सिचुएशन हो तो आप कर सकते हैं। अपना जो चिक बोन होता है वहाँ पे आप हाईलाइट कीजिएगा, चिक बोन से पूरा ये इस तरीके से
फॉरहेड। मैंने इनके फॉरहेड की कंटूरिंग नहीं की जबकि ज़रूरत थी, क्योंकि इनका जो फॉरहेड है वो चौड़ा है। हल्का सा नोज़ को मार दीजिएगा ताकि जो हमने कंटूरिंग की वो हाईलाइट हो जाए। हल्का सा लिप पे, चिन पे, दैट्स इट। ये हो गया हमारा मेकअप। ये रहा इनका फाइनल लुक हल्का का, ये रेडी होकर। और ये इनका दुपट्टे का भी लुक देख लीजिए, साथ ही साथ मैंने इसे हैवी दुपट्टे में कन्वर्ट किया है, तो आपको नज़र ही आ रहा होगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही हैं हल्का। इन्होंने पहना है क्रॉप टॉप वाला लहंगा स्कर्ट, सॉरी क्रॉप टॉप स्कर्ट। उसके साथ मैंने इनके दुपट्टे को वेयर करने के लिए बोल दिया ताकि थोड़ी सी हैवी स्टाइल लगे। सो ये है मेरा लुक। ये सब लोग देखिए पूजा के लिए रेडी हो रहे हैं। ये चाची मेरी हैं, ये हालत देखो इनकी, ये बहुत ज्यादा कमजोरी की मारी हुई है। वीडियो बनाए बीमारी की हालत है इनकी आज की। बाल भी इनके ज्यादा बिखरे बिखरे लग रही है। अच्छा काट कर दे तुम्हारी जिठानी देखे बताइए, आज इतनी कमजोरी थी हमें। आंखें कैसी लग रही है, कह दर्द सर ठीक ही लग रही है अभी। स्वाग का सामान लाओ। ये लोग देखे पूजा के कर रहे हैं तैयारी, और ये बैठी सोनम, ये बैठी अलका, सब लोग बैठे हुए हैं। ये भगवान जी हैं विराजमान यहाँ पर। हमारे इस तरह का चौक बनाया जाता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हेलो गाइस, सर सर गाइस हेलो कर लो। Thank you.
हल्का सब समेट के अच्छे से रखो दुपट्टा एक तरफ। ये लोग देखिए कैसे कर रहे हैं पूजा। ये लोग देखिए पूजा हो रही है इनकी कैलेंडर की। ये लोग कर रहे हैं पूजा आरती। पार्वती पिता महादेवाय एक दंत दया वंत चार भुजा धारी माँ सिंदूर शुभ मुझे की सवारी अंदर ये सभी लोग बैठे हैं मेरे फैमिली के ताई मौसी और नीचे वाली किरायेदार आ गई हैं। मैं यहाँ किरायेदार रहती हैं और मेरी दीदी सोनम अलका चाची सभी लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं चंद्रमा का। चंद्रमा कब आए और कब हम उसकी पूजा करें और उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो। और ये रहा दीपक इतना सुंदर लग रहा है और हमारा यहाँ छत पर भी चांद बनाया जाता है जिसको पूजन किया जाता है। सभी बड़े बूढ़े लोग उसको पूजा करते हैं उसके बाद अपने चांद को अर्घ देते हैं जो सामने दिखाई देता है। तो अभी वेट कर रहे हैं हमारे यहाँ लगभग 8:15 पर ही चांद नज़र आ। और ये सब लोग दे रहे हैं अर्घ क्योंकि चंद्रदेव निकल आए हैं उन्होंने दर्शन दे दिए हैं। और ये रही इनकी आगे की पूजा। रुक जा ले का जा रही है खेलन दे अब चल सब जाइए बहू चलो जाइए। ये बदल नहीं अपना करवा एक दूसरे से।
हमारे घर बच्चा ही कर ले तोड़ो मत सुन तुम्हारे। अब ये व्रत खोलेंगे ये लोग अपने ना व्रत इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का अंत। किसी भी रीज़न पर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे सारे परिवार के सदस्य अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।